मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए अच्छी और भरपूर नींद बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अच्छी सेहत के लिए व्यक्ति को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आप डेली 7 घंटे से कम सोते हैं तो ये आपके लिए एक चिंता की बात है। हाल ही में हुई एक स्टडी की रिपोर्ट में इस बात को प्रूव किया गया है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको बहुत से ऐसे बातें बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होगी लेकिन लंबे समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश और आज के इस एपिसोड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 7 घंटे से कम समय की नींद लेने से इंसान का डीएनए हमेशा के लिए चेंज हो सकता है, साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का भी खतरा अधिक होता है। स्टडी की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नींद की कमी के कारण डीएनए की खुद को रिपेयर करने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे कई जेनेटिक बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि नींद की कमी के कारण यूथ की जीन्स में चेंज होने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी देने वाली ये पहली स्टडी है। बता दें, ये स्टडी उन डॉक्टर्स पर भी की गई है जिन्हें नाइट शिफ्ट के कारण अपनी नींद के पैटर्न में बदलाव करने पड़ते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक अधिक सेहत बनाए रखने के लिए करीब 7 घंटे की नींद बेहद जरूरी है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक आधुनिक जीवन में ज्यादातर लोग 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं। यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के रिसर्चर्स के द्वारा की गई है। इस स्टडी में 2 हॉस्पिटल के 49 डॉक्टर्स को शामिल किया गया, जिसमें 24 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने पूरी रात ड्यूटी की थी, साथ ही डॉक्टर्स ने दोपहर से अगली सुबह तक काम किया। काम के चलते इस स्टडी में शामिल कुछ डॉक्टर्स सिर्फ 2 से 4 घंटे की नींद ही ले पाए, जबकि कुछ डॉक्टर्स सिर्फ 1 घंटा ही सोए। शोधकर्ताओं की टीम ने 2 बार डॉक्टर्स के ब्लड सैंपल लिए, पहला 3 दिन तक अच्छी नींद लेने के बाद और दूसरा नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह के समय। एनिस्थीसिया जर्नल में पब्लिश्ड इस स्टडी के नतीजों में सामने आया कि जिन डॉक्टर्स ने रात भर जाकर नाइट शिफ्ट की थी उनके डीएनए को दूसरे लोगों के मुताबिक 30% तक का नुकसान पहुंचा। स्टडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिन डॉक्टर्स ने कम नींद ली उनके डीएनए ने रिपेयर होने में काफी समय लिया, जिससे शरीर में मौजूद कई सेल्स भी डैमेज हो गई। स्टडी के मेन ऑथर ने बताया, डीएनए के डैमेज होने से इसकी बनावट में बदलाव आ सकता है जिसकी कमी मरम्मत नहीं की जा सकती। वही डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स का ब्रेक होना एक बहुत ही सीरियस इशू है। स्टडी के को ऑथर और हांगकांग यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर गोर्डन वांग टिंग चन ने बताया, स्टडी के आधार पर ये कहा जा सकता है कि नींद की कमी से व्यक्ति की जीन्स पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है। हालांकि अभी ये बात प्रूफ नहीं हो पाया कि आखिर कम नींद लेने से डीएनए डैमेज क्यों होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि स्टडी के माध्यम से लोगों में अच्छी नींद लेने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे लोग अपनी नींद के पैटर्न को सही कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उम्र के हिसाब से लोगों को निर्धारित समय के लिए नींद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 18 से 60 वर्ष के लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स ने बताया कि खराब नींद के कारण व्यक्ति को मोटापा, दिल की बीमारी और डायबिटीज होने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो आपको हमारी ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए और रोमांचित कर देने वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।